सुबह के टाइम कोशिश करें कि गाड़ी को ना लाइक दरवाजे शरवाजे खोल के थोड़ी वेंटिलेशन हो जाए, बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी। ऑनलाइन ऊबर का एक और फ्रॉड देखें कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये बूस्ट होना चाहिए उस एरिया में, लेकिन ये देखें बूस्ट नहीं है, सिर्फ इधर शो हो रहा है, उधर नहीं हो रहा। अभी इनका प्रॉब्लम है कि इनकी चाल है। इस चाइनीज को पिक करने जा रहा हूँ तो मुझे सीरियसली अब बहुत डर लग रहा है कि ये चीनी मुझे बड़ा खतरनाक लग रहा है गाइस। हाय हाय, आजकल वैसे भी वायरस फिर रहा है इनमें, या अल्लाह खैर ही करें या अल्लाह। बड़ा डर लग रहा है इस चीनी को पिक करने से, आजकल बड़े वायरस चायरस फिर रहे हैं। एक तो सर्दी इतनी और ऊपर से मुझे डर लग रहा है, ये क्या इसकी लोकेशन इधर उधर क्यों हो गया। ये देखें कोरोना वायरस, कोरोला वायरस वाला नहीं आ रहा, पता नहीं किधर है ये। राइड पहले ही नहीं है, यकीन माने कैंसिल करके मुझे दुख होगा। इसको मैं उड़ा रहा हूँ, बल्कि उड़ा रहा क्या, उड़ा दिया है। आई मीन हद है यार, 72 रुपये मिलेंगे गाइस मुझे, 72 मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। ये चीज़ सारे सारे के सारे मिसारा की राइड आई है, पता नहीं इन्होंने जाना किधर है। ओ माय गॉड, D12 से लोग E11 ही क्यों जाते हैं। ओके सारा जी, अशना प्या मतलब जस्ट अबाउट टू कम, यस ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। इसको मैं क्या लिख के दूं गाइस, ये कुछ नया आया है, टैप टाइमर फॉर इनसाइट। क्या मतलब, योर राइडर इज ऑन द वे, यू अराइव 4 मिनट अर्लियर देन दे एक्सपेक्टेड, यू विल कंटिन्यू टू बी पेड फॉर योर वेटिंग टाइम। अच्छा भाई हम तो फिर हम है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैंने इनको कहा कि फेयर है तकरीबन 315, 334, ये तो खैर अभी चेंज हुआ है, इन्होंने 350 मुझे दिए हैं। 315 समझ के इन समझे 350 है, तो जितने इन्होंने दिए मैं भी उतना ही लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है, गुड। पहली राइड लिया गाइस, 8 राइडें और लेनी है, 7 बज गए हैं, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता। बाद आई है घंटों बाद, मैं आपको बताता हूँ कितनी देर बाद राइड आई है, 6:24 और 9:24 तकरीबन, 6, 7, 8, 9, 3 घंटे बाद गाइस, 3 घंटे बाद। अब तो पूछना बनता है ना इसने जाना किधर है। गाइस ये अड्डे के अंदर से भी राइड नहीं है, ये मुसीबत इधर कहीं बीच में से राइड आई है यार, व्हाट द हेल इज दिस, मतलब इधर तो नामुमकिन हो गया भाई इधर से पिक करना। गाइस अब आप लोग बताएं, ये कह रही है आपके मतलूबा नंबर से रब्ता मुमकिन नहीं। अल्लाह, अब इस राइड को उड़ाऊँ ना मैं तो और क्या करूँ, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज दिस। कर दिया कैंसिल मैंने, अब पता नहीं इसने जाना किधर है। इस चबल ने जाना तो करीब था, बट ये है किधर समझ नहीं आती, लोग इधर राइडें करा कर गायब हो जाते हैं। आज बस 72 72 रुपये लेकर ही मैं अपना गुजारा करूंगा, मतलब प्लीज़ यार। मर मरा के राइड आई है, नंबर ऑफ राइडर्स और वेटिंग टाइम थोड़ा सा बस, क्योंकि ऊबर का तो सच बताना है। प्रोग्रेस 12 राइड्स थी आपके सामने, आज 3 ट्रिप हैं, और अगर मैं सी ट्रिप्स पे जाऊं तो क्या कहता है, सुबह सॉरी शाम 6:04, 6:24, 9:21, 9:49, 10:27 और 10:34। आज मैं शाम 6 बजे ऑनलाइन हुआ हूँ तकरीबन, बल्कि 6 बजे राइड आई है मुझे, फिर 6:24 पे राइड ली है, फिर 9:30 तकरीबन कैंसिल, 9:49, 10:27, और अब मैं डेस्टिनेशन लगा कर आई एम जस्ट वेटिंग। तकरीबन 800 या 850 तकरीबन मैंने अर्न किया, सो अब जाहिर है इतने का तो पेट्रोल ही डलवाना है मैंने। सो आज मेरी ऐसा कोई अर्निंग नहीं हुई, नो अर्निंग एंड ऑलमोस्ट नो राइड्स। और 15 ट्रिप लिए हैं, आपको पता है कल 12 लिए थे, आज 3 लिए हैं, 15 हो गए हैं, डायरेक्ट डेस्टिनेशन लगाई भी है, 12 बजने वाले हैं, इससे ज़्यादा और क्या हो कि मैं इससे ज़्यादा देर तक काम करूँ और इतना दूर घर से चला जाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। सो मैं बस इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, आज की वीडियो अपलोड करूँगा और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज वाली भी मैं साथ ही कर दूँ। 11 भी नहीं पहुंचा था कि ऊबर ने मुझे कह दिया ऑफलाइन, इसका मतलब है ऊबर को भी पता है कि राइड्स नहीं है, तो जस्ट आस्क हिम टू गो ऑफलाइन। सो बस मेरे पास अभी भी ड्राइव टाइम कितना है, अच्छा खासा ड्राइव टाइम होगा, 6 लाइक 9 आवर 26 मिनट, अच्छा खासा है गाइस, काफ़ी थक गया हूँ। और अभी पेट्रोल डलवा लूँगा 500 का, कल दोबारा ऑनलाइन होगा दोपहर में, देखते हैं क्या होता है। फिर 30 किलोमीटर गाड़ी चला ली है मैंने रिजर्व पे, और रात के 11 बजकर 45 ऑनवर्ड टाइम हो गया है, 12 बजने वाले हैं,
पेट्रोल डलवा कर मैं सो जाऊंगा, कल आखिरी दिन है, 13 ट्रिप्स करने हैं गाइस, और पता नहीं कैसे होंगे, कितनी बचत होगी। आज तो तकरीबन 1,000 रुपया ही बचत हुई है, और उसमें से भी अभी 500 का पेट्रोल डलवा लूँगा, 3 राइड्स लिए हैं, और क्या बताऊँ आपको गाइस। ज़रा पेट्रोल थोड़ा सा फिलअप शिलअप करवा लूँ, फिर देखते हैं। आप लोगों के सामने मैंने पेट्रोल डलवा लिया है और मीटर को अब मैं रीसेट करने जा रहा हूँ। आज मैंने गाड़ी तकरीबन 68 समथिंग चलाई है, इसको भी रीसेट कर देता हूँ। अब ये इन्वेस्टमेंट हो गई है कल के लिए, 1200 का मेरे पास कैश था, 500 उसमें से लगा दिया, वो कल वापस आ जाएगा, फिर आगे देखते हैं कल क्या होता है इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आए, और इस वीडियो को शेयर करें।